अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ पे है, तो आपका जवाब यकीनन होगा कि उन अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं, या फिर जहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, जिन मुल्कों में गोल्ड माइंस हैं वहाँ पर हैं। बट मैं एक बात आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा दौलत आप हमारे माइंड में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे आइडियाज़ में होती है। इसकी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं, बहुत मिसालें मौजूद हैं। जैसे फेसबुक एक आइडिया था, वो आइडिया किसी ने सोचा और उस आइडिया को अगर आप देखें तो सारी दुनिया के लोग ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ट्विटर की, इसी तरह हम बात करें सोशल मीडिया के अदर हैंडल्स की, यूट्यूब की बात करें, तो ये वो सारे आइडियाज़ थे जिन आइडियाज़ ने दुनिया की इकॉनमी को चेंज कर दिया, दुनिया के परसेप्शन को, सोचने के अंदाज़ को बदल दिया। तो आइडियाज़ वो होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके आइडियाज़ ऐसे ऐसे होते हैं कि उन आइडियाज़ के ऊपर अगर आप काम कर लें, या उनके ऊपर अगर आपको उनके ऊपर बिलीव हो, तो आप उनसे क्या कुछ नहीं कर सकते। हम हर वक्त हर बार यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये वो बात है जो हमें रोक रही होती है किसी भी नए आइडिया पर काम करने के लिए, किसी भी नए आइडिया पर वर्क करने के लिए। लोगों का काम हमेशा कहना होता है, लोगों के कहने में आके कभी हम ज़िंदगी नहीं गुजारते, क्योंकि अगर हम लोगों के कहने में आके ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो अगर आपको किसी आइडिया में जो आपके जहन में आ रहा है और आपको लगता है कि इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है, तो उस पर एटलीस्ट वर्क ज़रूर करें, उस पर वर्क करें, उसके ऊपर एक टीम बुलाएं। और एक और बात, हमारे यहाँ लोग आइडियाज़ को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, उन आइडियाज़ को अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप समझते हैं कि वो आपके जहन समझते हैं और आप की तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन आइडियाज़ में उन लोगों को साथ मिलाएं। बेइंतहा लोग, करोड़ों अरबों लोग मनो मट्टी के नीचे चले गए उन आइडियाज़ को लेके, जिनके उनके जहन में पता नहीं कैसे कैसे वाइल्ड, कितने कितने बेहतरीन आइडियाज़ होंगे, लेकिन वो सिर्फ ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने आइडियाज़ पे वर्क ही नहीं किया और आज वो मनो मट्टी नीचे दबे हुए हैं। सो कभी भी ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे, लेकिन आपका काम होता है अपने आइडियाज़ पे, जिन पे आप बिलीव रखते हैं, उनके ऊपर काम करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।